प्यारे भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है, चंद्र जिसका अर्थ है चंद्रमा और घंटा जिसका अर्थ है घंटी। देवी का नाम उनके माथे पर रखी गई घंटी के आकार के आधे चंद्रमा से लिया गया है। उन्हें देवी चंद्रखंड के रूप में भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का तीसरा रूप उनकी पूजा करने वालों को शक्ति और वीरता प्रदान करता है। देवी चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती है और उनका शरीर सोने की तरह चमकीला है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जहां 4 बाई भुजाओं में एक त्रिशूल, चक्र, तलवार और एक कमंडल है, जबकि 5वीं भुजा वर मुद्रा में है। दाहिनी और अन्य 4 भुजाओं में कमल, तीर, धनुष, ढाल और एक जप माला भी है। अस्त्र शस्त्रों के साथ देवी का यह रूप शत्रु हंता के समान प्रकट होता है। देवी चंद्रघंटा का यह रूप असुरों को हराने तथा दुनिया के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए बनाया था। असुरों को हराकर देवी दुर्गा ने असुरों की निरंतर यातना से देवताओं को राहत प्रदान की। तीसरे नवरात्र का बहुत महत्व है भक्तों। ऐसा माना जाता है कि देवी के आशीर्वाद से उपासकों को अक्सर अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से शांति और विनम्रता के साथ साथ निर्भयता और साहस की शक्ति भक्तों में पैदा होती है। तो आइए मैया रानी के चरणों में ध्यान धरकर कथा आरंभ करते हैं। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। जन तो मन में बड़ा संतोष पाते हैं,
संतोष पाते हैं, नव दुर्गा के तीज रूप की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय चंद्रघंटा माँ, पावन तेरी महिमा। जय जय चंद्रघंटा माँ, पावन तेरी महिमा। शरण में तब वो जाते हैं, हाँ
तब वो जाते हैं, नव दुर्गा के तीज रूप की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय चंद्र घंटा मां, आवन तेरी महिमा। जय जय चंद्र घंटा मां, आवन तेरी महिमा। महिषासुर से तंग आकर हम धरा पे जाते हैं, हम धरा पे जाते हैं। नव दुर्गा के तीज रूप की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जाते हैं, हाँ
सब डर जाते हैं, नव दुर्गा के तीज रूप की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय चंद्र घंटा माँ, पावन तेरी महिमा। जय जय चंद्र घंटा माँ, पावन तेरी महिमा। सुना